कोरोना बेचारा भी सोचता होगा ओ भाई मारो मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ एमपी शहडोल, करीब छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर है। यहाँ से मुझे शायद 14 या फिर 19 घंटे का टाइम जो है ट्रेन का वो है। तो बहुत लेट मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बस एक ऐसे मूवमेंट का इंतज़ार था। अब कितनी आवाज़ कर रहा है पीछे से, तो बस एक मूवमेंट का इंतज़ार था कि मैं कहीं निकलूँ और व्लॉग शूट करूँ। तो आज वो मूवमेंट है, आगे आगे दिखाऊंगा जो भी रहेगा मेरी जर्नी के अंदर। बंदे कार क्या चलाना शुरू कर देते हैं फिर पिंडक में आ जाते हैं। और पहले हैंडल भी नहीं संभलता था। पहले हैंडल भी नहीं संभलता था। अब देखो रॉकेट की तरह उड़ा रहे हैं। Q3 की तरह लगती है और सेम प्राइस है। अच्छी लग रही ना। इसी दुविधा है, 5:25 की जो है ट्रेन है और मेट्रो का पता नहीं चल रही है। नहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन मुझे पहुंचना है अभी शालीमार बाग। मैं और नीरज जी पता करने जा रहे हैं, अगर वहां से मेट्रो अवेलेबल हुई तो मैं उसी से निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर आज़ादपुर से देखेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर नीरज जी की कार जिंदाबाद। कार में बैठकर ना नीचे नीचे वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है रोड पर बैठा हूँ। और मुझे कंफर्ट। हाँ कंफर्ट ही है, मतलब वही वाली बात है। ये लोग ज्यादा हो गए हैं। कार और रोड पर बाइक कम, कार ज्यादा। शटर तो खुल रहा है यार, पापा ने बताया था कि नहीं खुल रहा होगा, मेट्रो जा ही नहीं रही। यहाँ तो मेट्रो जा रही है, एक बार नीचे से पूछ कर आया तो हजरत निज़ामुद्दीन जा रही है या नहीं। जा रही होगी तो फिर मैं मेट्रो से निकल जाऊंगा, सिर्फ 40 मिनट में ये मुझे पहुंचा देगी। तो चलो एक बार कंफर्म करते हैं। भैया हजरत निज़ामुद्दीन जा रही है? हाँ जा रही है। जी जा रही है। ठीक है। नहीं मैं तो पता करने के लिए आ गया। कोरोना के चक्कर में पूरा का पूरा मेट्रो खाली, पूरा सुनसान, अकेला मैं ही खड़ा हूँ बस। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। चलो जी पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन पर। थोड़ा सा थक गया मैं, चलते चलते सामान है मेरे पास। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेरी ट्रेन है, पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूं फिर देखते हैं वहां से। कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? कोरोना बेचारा भी सोचता होगा ओ भाई मारो मुझे। फाइनली मैं शेड्यूल पहुंच गया हूं और रूम में मैंने चेक इन कर लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर सीधा ट्रेन से आप रूम में, बीच का ब्लॉक कहां गया? तो असल में क्या है कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद तुरंत ही जो है ट्रेन लग गई थी और मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर था। तो भागते भागते जल्दी से मैं पहुंचा और फिर सीट लेते ही एक अंकल जी थे, मेरी जो है वो लोअर बर्थ थी विंडो के साथ वाली और उनकी जो है वो अपर बर्थ थी। तो दिक्कत ये थी कि उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर सीट एक्सचेंज कर सके। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने पूछा, सब ने अवॉइड करा उनको, पर फिर उन्होंने बोला कि बेटा क्या आप सीट एक्सचेंज कर सकते हो? तो फिर मैंने जो है उनको अपनी सीट दे दी और फिर मैं अपर सीट पर चला गया। वहाँ पर दिक्कत यह है कि बैठो तो फिर गर्दन में दिक्कत होती है, तो इसीलिए फिर मैं लेट ही गया। अब लेटने के बाद दूसरी दिक्कत ये हुई
कि जैसे ही सुबह 8:16 हुए तो 8:25 का करीब टाइम था शेड्यूल के पहुंचने का, और 8:16 पर मैं आराम से कान में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी स्टेशन पर रुकी हुई तो सडन मुझे याद आया कि यार कहीं आ तो नहीं गया, और मैंने किसी से पूछा ये शेड्यूल है क्या, और वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए या फिर 3-4 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकती है। फटाक से मैं निकला अपना बैग वैग लेकर और सारा का सारा सामान लेकर और बहुत जल्दबाजी में बाहर पहुंचा, और बाहर पहुंचने के बाद एक चीज़ और याद आई, यार मेरी जैकेट तो अंदर ही रह गई। फिर किसी से मैंने बोला कि भैया प्लीज़ आप मेरे सामान का ध्यान रखना, बस मैं ट्रेन तक अपनी जो है जैकेट लेकर आता हूँ। मैं भागा भागा गया जल्दी से जैकेट लेकर, फिर फाइनली जो है मैं बाहर आया, और बाहर आने के बाद भास्कर जी खड़े थे अपनी कार लेकर, तो कार से भी मैं रूम में पहुंचा हूं, और उसके बाद फिर ये मैं आगे की चीज़ शूट कर रहा हूं। तो चलिए इसके बाद एक छोटी सी सिचुएशन और हुई, वो ये कि मेरे पास बाद में मैसेज आया कि आपको ब्लैंकेट भी जो है वो लेना पड़ेगा, आप मतलब कैरी करके घर से लेकर आएँ, आपको नहीं मिलेगा। तो पूरी रात जो है मैं ठिठुर कर आया हूँ, मैंने अपनी जैकेट को ही अपना कंबल बना लिया और उसी में जैसे तैसे एडजस्ट करके फिर मैं पहुँचा हूँ। और दूसरी दिक्कत ये रही कि मतलब कोई नहीं आया, ना खाने वाला ना पानी वाला। तो लास्ट 3 बजे मैं खाना खाकर निकला था घर से, और 3 बजे के बाद अब जाकर मैं जो है करीब 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद अब जाकर देखो पानी पीऊँगा और उसके बाद फिर खाना वाना जो भी होगा वो खाऊँगा। विटामिन डी ले ली जाए, 2 बच्चे हैं यहाँ। तो ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं फिर पराठों से, इसके बाद ऑमलेट, और ऑमलेट के बाद पियेंगे अपनी एनर्जी ड्रिंक चाय। तो ये आ गई चाय और ये आ गया ऑमलेट। रूम से निकलने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं यहां फोर्ड के शोरूम में। तो फोर्ड के शोरूम में आने का पर्पस असल में ये है कि एक एसोसिएट है जिनको कार लेनी है, तो अभी उनकी कार की टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं, और कार पसंद आ गई तो उसकी बुकिंग पेमेंट जो है इनको दे दी है। असल में उनके बेटे का बर्थडे है, तो इसीलिए वो अपने बेटे को बर्थडे पर एक कार देना चाहते हैं। तो ये रही वो कार, ये कार है जो उन्होंने देखी है, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। अच्छी कार है, अभी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, चलाने में बहुत बढ़िया है। 80-90 की स्पीड पर नहीं पता चलता कि कार के अंदर कोई वाइब्रेशन। बहुत सारा साइन तो तब होगा जब कार आएगी। नहीं अभी नहीं, हम लोग कार लेते पहले। अच्छा पहले कर लेते हो, हाँ ठीक है मैम, ये बढ़िया है। और अब दिन लगभग ख़त्म ही हो चुका है, और कल की मुझे बहुत सारी जो प्लानिंग है वो भी करनी है और चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, तो अभी जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद आराम करूँगा। होप सो आपको मेरे डेली लाइफ व्लॉग जो है वो अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन मुझे इसी तरीके से मिलता रहे और मैं ऐसे ही नए नए व्लॉग जो है वो बनाता रहूँ। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे व्लॉग को पसंद करने के लिए और उसे देखने के लिए। Thank you.